धन वाहिगुरु साहिब जियो नांगे आवन नांगे जाना कोई न रहै राजा राना राम राजा नौ निद मेरे संपै हीत कलत तन तेरे रहाउ आवत संग ना जात संगति कहाँ पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का भया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर किस गुण बिचार चले जुआरी दोए हाथ चार कह कबीर किस गुण बिचार चले जुआरी दोए हाथ चार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साड़ी सारियां दी जन्म की प्रक्रिया सब की इको जी है। जन्म के वेले कोई अंतर नहीं है पर साड़े कर्मां दे कारण एक दूजे तो वखरे मैं एक दूजे तो साड़ी पहचान निखड़ जाती है वखरी हो जाती अपने कर्मां दे कारण। किरत दे कारण ही कोई साधु है किरत करके ही कम करके ही कोई धर्मी है कम करके ही कोई अधर्मी है कम्मां दे करके ही कोई चोर है कोई ठग है कम्मां दे कारण ही कोई किसी किते नाल जानिया जाता है। जितनी भी पहचान है वह कर्म की है। सतगुरु ने कृपा की बचन बख्शिश किए भी मनुख के कर्म ऐसे ने कईयां दे कर्म ऐसे ने जिहड़े जिंदगी दे विच एक अपनी पैड़ छड़ जांदे ने एक सेध दे जांदे ने मनुखता नूं। कईयां दे कर्म ऐसे ने जिहड़े इतिहास के पन्नियां ते एक कलंक बन जांदे ने। है ते गल केवल कर्मां दी है। इसे लिए कुरबाणी सानू नित दिहाड़े एक सलाह बार बार देती है सो कुछ कर जे मैल ना लगे इहो जे कर्म करी जिहदे नाल शख्सियत मैली ना होवे। अमृत बचन है बहुत बरी कुरबाणी इस गल दे निर्णय देती है। एक बचन तुहानू याद होएगा ऐसा कम मूले ना कीजे जित अंत पछोताई है। इहो जिहे कर्म ना करी जिहड़े कर्म तेरी जिंदगी च पछतावा बन जाण मुश्किल बन जाए। यह भी बचन आउंदा है ऐसी कला ना खेडी है जित दर गए गया हारिए। इहो जी खेड ना खेडी जिंदगी विच जिहदे नाल तू आप ही हार जावे मालिक दे चरणां विच शर्मिंदा हो जावे। शेख फरीद दा एक बचन है बड़ा प्यारा फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुणा जिहड़े कम्मां दे कमाया गुण ना मिलदा होवे सिर्फ अगुण ही इकट्ठे हुंदे। जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी बही साईं दे दरबार। किते कल पछतावा होवे साईं दे दरबार पछतावे। हजूर दा एक बचन होर ध्यान नाल सुनियो
करनो बुतो सो ना कियो, पर यो लोभ कै फंद नानक समयो रम गयो, अब क्यों रूपत अंध। ये बचन भी तुहाडे ख्याल विच होवेगा। अन काई रातड़िया वाट दोहेली राम। अन काई दा अर्थ हुंदा है किसे होर पासे क्यों रत्या होया। अन काई रातड़िया वाट दोहेली राम, पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली कोई तेरा, सदा पछुतावे गुण को पालना जपो रसना, फिर कदों से दे आवे तरपर बिशुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग कौन अकेली बिनवंत नानक बिन नाम हर कै सदा फिरत दुहेली। अज दा शब्द बहुत वधिया साडे भरमां दे हनेरे नूं दूर करके सानू सच दे बिल्कुल नेड़े करदा है। गुरदेव दे बचन दी विचार करिए, साहब दा रहाउ बड़ा बंद है। राम राजा नौ नित मेरा। कबीर साहब किसे मनुख नाल विचार करदे आ, ये अंतर दस रहे ने भी तेरे विच ते मेरे विच अंतर की है। कहिंदे ने राम राजा नौ नित मेरा, मेरे अंदर मेरे हिरदे विच मेरी याद विच मेरे कोल की है, परमेश्वर दा नाम, रब दे गुण, वाहिगुरु दी कृपा मेरे कोल ई है। राम राजा नौ नित मेरा, पर तेरे घर विच की है। चार चीज़ां दा जिक्र कीता, संपै, संपै दा मतलब हुंदा संपदा, धन दौलत, हेत, दूजी तेरे दिल विच गल बसी हुई है हेत दी। हेत दा अर्थ हुंदा मोह, उहदे नाल लगाव। तीजी गल है कलत, कलत दा अर्थ हुंदा है इस्तरी, भाव विकारी बिरती। धन अते दुनिया दी दौलत तेरे तेरे हिरदे विच, दोनों विच की अंतर है। कहिंदे मेरे कोल तां रब दा नाम है, परमेश्वर दे गुण ने, चंगे कम ने, मैं उहदे राह ते तुरिया, पर तेरे कोल की है। कहिंदे तेरे कोल ने एक संपदा ते उहदा मोह, तीजा इस्तरी प्रति भावना, भाव विकारां दी भावना, अते चौथा धन दौलत दा हंकार। बस तेरे कोल इह चीज़ां ने, इन्हां दे कारण तू अपने जीवन विच सच तो बड़ा दूर है, धर्म दे नेड़े नहीं आउंदा, गुरु दे चरणां दे नेड़े नहीं आउंदा, सच दे नेड़े नहीं आउंदा। गुरबाणी विच बड़े प्यारे बोल ने, कहिंदे इस गल नूं समझण दी लोड़ है। मैं एक बेनती रोक के करन लगा, जदों भी ये गल आउंदी है मैं उन्नी बारी बेनती करना है, भावें किन्नी बारी दोहराई है। ये गल सानू हमेशा चेते रखनी चाहीदी है भई गुरसिखी का सुनहरी असूल है किरतकार करनी। ये कितने भी नहीं आख्या तुसी किरत का त्याग करो, बल्कि स्पष्ट वचन लिखे ने भी रब दे घर नूं जाण वाला तां रस्ता ही वह मनुख पछाण सकदा है। जिहड़ा मनुख काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। किरतकार करोगे तां धन दौलत तां इकट्ठी होएगी ना, किरतकार करोगे तुहाडे कोल जमीन जायदाद भी होएगी। मसला इस गल दा नहीं है, मसला साडी सोच विच वसण दा। साडी सोच विच की वसिया होया, हो सकदा किसी को $10 होण पर उह दसां दे विच ही इन्ना उलझिया होया दिन रात उहदे तों बाहर नहीं निकल पाउंदा। ते कईआं कोल भावें राज तख्त भी होवे, गुरबाणी च बच्चा ने बड़ा प्यारा ये नहीं किया भी तू माया ना दे, ये क्या सुल्तान होमा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब बाओ, मत देख भूलना विसरे। जे मैनू ये चीजा तेनू विसार दिया ने ना ता मेरे लिए दुखदाई ने, जे मैं खसम नू विसार के जीना
क्योंकि खुआरी जिहड़ी है वो हर बिसरत सदा खुआरी है, हरी दे भुड़न करके खुआरी है, धन दौलत करके खुआरी नहीं है। दो बचन बड़े ध्यान नाल सुनो, एको ही बचन विच दो गल्लां समझाईआं ने, दो बिरतियां दा जिक्र कीता सतगुरु जी ने। एक बचन है लिब छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एक पासे वह जिक्र है भी उन्हां लोकां दा जिक्र है जिन्हां दी रब नालों ध्यान उखड़ गया, लिब छुटकी ध्यान उखड़ गया, तृष्णा लगी माया दे हुक्म विच तुर पिया। एक बिरती वह है, दूजी बिरती की है गुरप्रसादी जिन्हां लिब लागी तिन्हीं विचे माया पाया। हुण त्यागण दी लोड़ माया नूं नहीं है, कबीर माया तजी तो क्या पाया, जो मान तजिया ना जाए, मान मुनि मुन वर गड़े मान सबे को खाए। और याद रखियो गुरबाणी विच भगत पीपा जी वर्गे जिहड़े वह राजा सी, भगत पीपा गगनौर, गगनौर वो राजस्थान के इलाके च इलाका है, वह राजा है उस वेले का। ये राजे की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च अंकित है। तुसीं देखो मसला माया का नहीं है, मसला तो सी भी तुसीं जीवन विच अपनी सोच विच की रखिया होया। गुरमत बहुत प्यारे बोल बख्शिश करती है, तो सतगुरु जी ने अज कृपा की कहन लगे भी साड़ी सोच विच रब आना चाहिए सी, ये होना चाहिए सी। सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। ये मन में होना चाहिए सी कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग है मेरा। ये मन में होना चाहिए सी मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा, एक है निर्गुण उगै सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये मन में विचार होनी सी मैं ना ही कुछ हौ ना ही, कुछ आहे ना मोरा औसर लज्जा रख लो सदना जन तोरा। मन में यह विचार होनी चाहिए सी जा तू मेरे बल है तो क्या मुछंदा, तू तो सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। मसला माया दे त्याग का नहीं है, मसला साड़ी सोच का है कि साड़ी सोच विच की है। जे सोच विच दात है तो खुआरी है, जे सोच विच दाता है तो चढ़दी कला च है, वह मनुख कदे खुआर नहीं हो सकता। गुरदेव सच्चे पातशाह ने अज दे बचन विच बख्शिश की है, मैं एक बार फिर दोहरावां, राम राजा नौनद मेरा संपै हेत कलत धन तेरा। कहिंदे तेरे अते मेरे विच बस आ अंतर है, बिरती करके अंतर है। और गुरबाणी विच जिन्नी व्याख्या है वह बिरतियां दी हुई है। अगे चलिए पहलियां पंक्तियां ने शब्द दियां, नांगे आवन नांगे जाना। संसार विच प्रवेश करते हैं असी निर्वस्त्र सां, कोई वस्त्र नहीं सी, कोई कपड़ा नहीं सी, भाव कुछ भी नहीं लेके आए, जो कुछ इत्थे वरते है वह इत्थों ही मिले है, तो इत्थे ही वरत के इत्थे ही छड्ड जाना है। नंगे जाना, जाना भी नंगे, खाली हथ जाना है। फिर चार दिन की इत्थे जिंदगी लई, रात कारण धन संची है भड़के चलन होए, नानक नाल ना चले फिर पछतावा होए। कहिंदे पाप ना कर इन्हां दी खातर, किसी का लहू ना पी इन्हां दी खातर। बस गल सिर्फ इन्नी है, ये नहीं कदे भी आख्या गुरमत ने भी तुसी धन दौलत ना कमाओ, बिल्कुल नहीं। नांगे आवन नांगे जाना, कोई ना रहे राजा राणा। राणा कहिंदे ने छोटे राजे नूं, राजा भाव जिहड़ा सारे देश का राजा। कहिंदे कोई भी राजा ते राणा इत्थे नहीं रहा। अज तक ये बहुत बड़ी बेनती करी दी है कि गुरु तेग बहादुर साहब ने किड्डे छोटे छोटे शब्दों विच ते किड्डा वड्डा सच बयानिया होया। हजूर दा वचन बड़ा प्यारा, मालक जी आखते ने कहिंदे देखो जो उपजियो सो बिन सहै। और गुरमत कैसी कमाल दी कहिंदे मेरे बचना ते सच ना मनी, तू आप दुनिया च देख लै, उपजै निपजै
निबज समाई नैनो देखत ए जग जाई। कहिंदे तेरी अखां दे सामने दुनिया तुरी जा रही है ना, तुसी आप निर्णय करके देख लो। हजूर कृपा करते ने, जो पजियो सो बिन सह परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। तेरे कर्मां दे कारण दुनिया ने तेनू याद रखना है मना, कर्मां दे कारण तेनू दुनिया ने याद रखना है। बस दुनिया च थोड़ा जिहा समा तेनू मिले है, उच कर्म किहो जे करने ने फैसला कर लै। छोटी जी मैं कहानी कहना चाहना, बहुत वधिया व्याख्या करती अपनी गल दी। एक राजा सी, उहदे तीन पुत्तर सन। कदे उहनूं लग्गिया करे भी वड्डा पुत्त बहुत सियाणा है, कदे छोटे ते माना जाया करे, नहीं उहदे नालों इहदी सोच गहरी है। कदे तीजे पुत्त वल झुका हो जाया करे भी मैं तीजे नूं प्रवान करां। समझ ना लगे राजे नूं भी गद्दी किहनूं देआ, मेरा बुढ़ेपा दिन ते रात वधदा जा रहा। आखिर राजे ने एक काम किया भी चंगे लोगों की एक मीटिंग बुलाई। तुसी दसो, मैं फैसला कर नहीं पाउंदा ते मैं नहीं चाहुंदा भी मेरा राज किसी ऐसे लोगों के हत्थां विच जावे जिहड़ा कल्ले दे उजाड़े का कारण बन जाए। उहनां चों एक रब्बी मौज विच जीउण वाला फकीर बोलिया, कहण लग्या राजन बड़ा सौखा है, यह तू घर की गल है, किसी बाहर की लोड़ नहीं तेनू, तू एक कसवट्टी च पर के देख अपने पुत्रां नूं। कहण लगे ओह किवें? कहिंदे तिन्नां नूं एक फुल्लां दी टोकरी दे, अगले साल इसे दिन, अगले साल इसे दिन ते उहनां नूं कह भी मैनूं इसे तरह की फुल्लां की टोकरी वापस चाहीदी है। जिहड़ा लै के आ गया उहनूं राज भाग दे रही। उन्हें आख्या ठीक है। उन्हें तिने पुत्रां नूं एक एक फुल्लां की टोकरी दित्ती। वह पहला सोचण लगा भी किहड़ा इहनूं संभाल के रखेगा, एक साल पूरा बाजार च बेच दिंदे आ, जदों लोड़ पई तो फिर दुबारे उन्हां पैसों की खरीद के दे देंगे। किड्डी वड्डी मुश्किल है। उन्हें बाजार च बेच दित्ती। पैसे कोल सी, तुसीं समझदे हो किसे ना किसे लोड़ां दे उत्ते खर्च खुर्च हो जांदे ने, खर्चे गए। दूजा सी, उहने सोचिया बाजारां च की पता है भी किहड़े वेले राजा मंग ले, हो सकदा बाजार खुल्ला ना होवे। उहने फुल्लां दी टोकरी तिजोरी च बंद करती, लॉक चलाती। वक्त आया, राजे ने अपने तिने पुत्रां नूं बुलाया। साल बाद मिथी हुई तरीक सी, तिने पुत्रां नूं बुला के कहण लगे भी फुल्लां दी टोकरी दिओ। पहला शर्मिंदा खड़ा, कहिंदा बाजार च बेच बैठा है ते पैसे खर्चे गए। कहिंदे ठीक है। दूजे नूं पुछिया, वह भी बड़ा शर्मिंदा जिहा होई खड़ा है। वह कहण लग्या भी मैं जिस लॉकर विच रखे सन फुल, वह गल सड़ गए, उत्थे तो कोल खलोता नहीं जाता, तो बहुत वड्डा औखा है। वह भी तीजे पुत्त नूं आख्या, उहने टोकरी पेश करती भी लो जी उवें दे उवें खिड़े हुए फुल्लां दी टोकरी। हुण राजा पुछदा भी तूं किवें बचा के रखी? कहिण लग्या मेरे नाल जाणा पैणा, मैं तां दिखा सकना। उहने आख्या ठीक है। राजा ते कुछ चंगे बंदे नाल चले गए, जाके बाहर कुछ दूरी ते देखिया, उस पुत्तर ने तीजे ने की कीता सी, जिहड़ी फुल्लां दी टोकरी मिली सी उहनूं सुका के उहदे विच्चों बीज कढ के ते उत्थे बीज दित्ते, बहुत सोहणी इक बगीची बना दित्ती। आया गया राही भी रुकदा है, उत्थे पंछी भी चहचहाउंदे ने, ते सजावट भी बन गई ते सारा कुछ है, नाले फुल्लां दी टोकरी। उह इक नहीं बजाई दो लै लो। राजे ने राजभाग उहनूं देता। हुण राजे ने बुला के उहनूं पुछिया फकीर नूं भी, सज्जना तैनूं इक सवट्टी याद किवें आई? ग्रिस्ती मैं है, राजा मैं है, तू एक फकीर है। वह कहण लग्या असल च कहानी ये हर बंदे दी है। रब ने सब नूं एक फुल्लां दी टोकरी दित्ती है, भई मैनू मेरी टोकरी मोड़दी, मैं तेरे कोल कुछ नहीं चाहुंदा। कबीर, जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभ है होड़, हीरा किसका वापरा पूजा न रतन करोड़। इहदे बराबर तां कोई भी नहीं कर सकदा। जिहो जी मैं जिंदगी तैनूं देण लगा, बस इहो जी वापस कर दी मैनूं। पर कुछ लोग ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी सिर्फ बाजारां च बेच दित्ती,
की खाण नू की पहनण नू की देखण नू बस इत्थे तक की सीमत ने। कुछ लोग ने जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ लौकर वास्ते रख ली भी किहदा लहू पी के मैं लौकर नू भर दियां। तीजे उहने जिन्होंने अपनी जिंदगी किसी परउपकार ते ला दित्ती, वह दुनिया च सुंदर बगीची बना गए, संसार नूं भी सोहना बना गए, तो पता नहीं किन्नियां अक दी भुख मिटा दित्ती ते किन्नियां अक दीआं लोड़ां पूरियां कर दित्तियां, वह किसी चंगे राह ते तुर गए। सब नूं टोकरी मिली हुई है फुल्लां दी, कोई तिजोरी नाल संबंधित रखी बैठा है, कोई बाजारां च वेची बैठा है, कोई परउपकार ते लाई बैठा है। सतगुरु ने बड़ी कमाल दी गल याद रखे, जो दुनी चंद्रों यही गल कही सी ना भी सजना सूई लै लै ये मैनू अगली दरगाही मोड़ दी। समझ लगी, समझ लगी गल दी। हुण इहदा मतलब यह नहीं भी दुनी चंद धन दौलत छड के साधु बन गया। किसे प्रचारक ने तुहानू गल नहीं सुनाई होएगी, कोई नहीं कहिंदा होएगा भी छड के धन दौलत नू फकीर बन गया, बिल्कुल नहीं। वह रहिंदा धन दौलत विच ही रहा है, पर उन्हें दिमाग विच्चों कढ दित्ती माया, हुण परउपकारी कम्मां ते लाउण लग पिया। गुरदेव सच्ची पातशाह कृपा करदे ने भई जदों तू खाली हथ आया तो खाली हथ ही जाना है, तो फिर कादे लिए ने बखेड़े खड़े करना है। कोई ना रहे राजा राणा, किसे ने भी नहीं रहना। आवत संग ना जात संगाती, कहां पयो दर बंदे हाथी। आवत संग ना तो आने लग्या तेरे नाल आईए, ये तो गुदरान है। ना जात संगाती ना जान वेले तेरे नाल होनी है, ना जान वेले भी माया ने तेरे नाल नहीं होना। कहां भाई उधर बांधे हाथी, फिर उस वेले शाही सवारी होंदी सी हाथियों की, अज महंगियां कारां कह लो, फिर तू इन्हां नूं देख के रब नूं क्यों भुली बैठे, जे तेरे पता भी मेरे नाल भी कुछ नहीं आया ते नाल भी कुछ नहीं जाणू। जीवन जीउण दी इक जात है, गुरबाणी दा हर शब्द सानूं जिंदगी जीउण दी इक जात सिखाउंदा, फिर कादे लई इन्ने झमेले पाई बैठे। हजूर ने कृपा कीती, एक बचन मैनूं याद आ गया, वह बड़ा प्यारा बोल है किसी का, शब्दावली थोड़ी जी औखी है ते तुसी तवज्जो दे के समझना। कोटन कोस से कोश परे, कोस कहिंदे ने कोह नूं, पुराने समय दे विच मीलां जां किलोमीटरां च डिस्टेंस नहीं सी नापिया जांदा, कोहां च नापिया जांदा सी, चार कोह पंज कोह। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਦੇ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਕੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਟਨ ਕੋਸ ਸੇ ਕੋਸ਼ ਭਰੇ, ਸਭ ਰੰਗ ਤੁਰੰਗ ਕੇ ਸੰਗ ਤੁਰੰਗੇ, ਕੰਚਨ ਪੈਰ ਜੰਜੀਰ ਬੰਧੇ। ਅਰਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਦਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਟਾਰੀ ਸੰਗ ਮਤੰਗੇ, ਅੰਗਨਾ ਅੰਗ ਅੰਗਨ ਮੈਂ ਆਂਗਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚੌ ਉਮੰਗੇ, ਇੱਥੇ ਭਏ ਗਏ ਬਾਦ ਜੋ ਪੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾ ਰੰਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰੋਂ ਮੈਂ। ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਗ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ। ਕੰਚਨ ਪੈਰ ਜੰਜੀਰ ਬੰਧੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗਣਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨੇ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰੋਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਨਾ ਅੰਗ ਅੰਗਨ ਮੈਂ ਆਂਗਨ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚੌ ਉਮੰਗੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਭਏ ਗਏ ਬਾਦ ਜੋ ਪੈ,
इन्ना कुछ हो के भी बेकार ही तुर चले हैं, गुरु गोबिंद सिंह के रंग ना रंगे। कहते जे गुरु के रंग बिच नहीं ना रंगया गया फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर चले हैं। किती प्यारी बात बख्शिश की है, आपत संग ना जात संगाती, कहां भयो दर बंधे हाथी, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहिंदे इत्थे ओह भी लोक होए ने जिन्हां ने ये उस वेले दीआं प्रचलित उदाहरणां विचों उदाहरण है भाई, लंका गढ़ सोने दा बना लिया सी, गढ़ मतलब किला, ते ओह भी तां रावण साडे वांगू खाली हत्थ झड़ के गया ना, लेके तो भी कुछ नहीं किया। एक भाई वीर सिंह दी मैं कविता कह लगा है, उहदे कुछ बोल ने बड़े प्यारे, बहुत ध्यान दे के सुनियो उन्होंने। वो कहिंदे ने माया खरीदी दिल दे बदले, दिल दे दे जिन लीती, वतन बंचन दे वेले आया जदों जाण दा वक्त होया, माया ठगी कीती पसर पई ए वतन अपने, नाल नहीं हुण तुरसी, बेदिल जाना पया वतन नूं, भट सुदागरी कीती। कहिंदे तू चंगा व्यापारी है, चंगा सुदागर है, दिल भी बेच के तुर चलिया, आया तो की लैण सी लेके की चलिया। अगले बचन ने बड़े प्यारे, सज्जन द्रोहे मित्र ठगे, घात बिसाहों कीती, इउं दिल बेच बेच के माया सब पास्यों ले लीती, समझ पई ए वक्त बियाया, माया नाल ना टुरसी, दिल विकिया हुण हथ ना आवे, भट सुदागरी कीती। कहिंदे दिल वेच बैठा है वह भी नहीं मुड़दा, सारा कुछ कर बैठा है, सज्जना मित्रां नूं ठगिया, अपनियां नूं धोखे दिते, की खटिया। अगली गल बड़ी प्यारी, पोथी बाची ज्ञान बेचिया, दिल दी विकरी कीती, माया खरीदी धर्म बेच के। कहिंदे इन्ना कुछ कर कुकर्म कीते, जिमें भी हो सकिया उमें इन्हें कोशिश की, मन सिर जो तो बीती। कहिंदे दिल दी कदे सुनी नहीं, आखिरकार माया ने आखिर वेले एक सोची मनुख की झोली विच पाई। तुरन वेले ये माया आखे, मैं निज वतन ना छोड़ा, दिल विकिया मुड़ हथ ना आवे, भट सुदागरी कीती, गैर कौम दा हथ ठोका बन के। कहिंदे दूजियां दे इशारियां ते नच नच के, दूजे कौमां नूं खुश करन वास्ते दूजे कौमां दा हथ ठोका बन बन के, गैर कौम दा हथ ठोका बन के, वीर बनायन कीती, अपने भरावां दे खून पींदा रहा, गैर कौम दा हथ ठोका बन के वीर बनायन कीती, देश पाड़ कर बार उजाड़े, रत मसूमा पीती। कहिंदे पता नहीं तू किन्नियां कदे घर उजाड़े मुकाबले बनाए, पता नहीं किन्ने क मसूमां दा तू लहू पीता है, देश पाड़ घर बार उजाड़े रत मसूमा पीती, मिली हुकूमत दौलत अन्नी, मन सिर जो तो बीती। कहिंदे हुकूमत प्राप्त कर ली, अन्नी माया प्राप्त कर ली, ते उहदी खातर अपने मन ते सिर ते जो बीती सारी भुल बैठा होया, गल नूं जमीर की कदे आवाज ना सुनी। इत्थे बस नहीं, कहिंदे इन्ना कुछ करके इन्ने कुकर्म करके भी
तेरे मन में चैन ना आया। कहिंदे पर एक गल तैनू मैं दसना चाहुंदा, अज तुर चलिया दोवें हाथ झाड़ के, खिन पल समां बतीती, तुर चलिया दोवें हाथ झाड़ के खिन पल समां बतीती। कहिंदे खिन पल विच समां बतीत हो गया, हाथ झाड़ के तुर चलिया, की लिया लोकां नूं उजाड़ के, की खटिया लोकां नूं उजाड़ के, इन्ना कुछ करके। सद्दा आया वतन जाणदा, वतन जाने का सदा आ गया। जो मन दिल ना चीती, कहिंदे जो तेरे दिल मन में भी नहीं सी, ऐ लगता सी भी लोगों नूं मारना, मैं कईयों नूं मार दिता, कईयों नूं चाड़ दिता, तो यह सोचता सी दूजियां नूं मार सकना, मेरी हथ हुकूमत है तो मैनू थोड़ा मौत आनी है। सदा आया वतन जाने का, वतन जाने का सदा आ गया। जो मन दिल ना चीती, जो तेरे दिल विच मन विच भी नहीं सी, पर अज मैं तेनू पुछना भाई वीर सिंह, कहिंदे ने लुक लुक टुरदा रोंदा जावे, हुण लुक लुक के रोना पछताउना अपने कीते होए नूं, अपने मन विच नहीं विचार कीती। लुक लुक टुरदा रोंदा जावे, भट सुदागरी कीती, चंगा तू व्यापारी है, कौम नूं भी नुकसान पहुँचा गया, इंसानियत नूं भी दाग ला गया, अपनी जिंदगी नूं भी दागी कर चलिया, की खटिया है, गैरां दे इशारियां ते रख के अपने भरावां दे घर उजाड़ चलिया। इतिहास दे पन्ने सदा दागी घोषित करनगे, सदा ही लानता पाऊंगे। बड़े प्यारे बोल बख्शिश कीते ने कबीर साहब की बाणी विचों, जिंदगी दा तत् समझन की कोशिश करिए। चार क दिन तेरे कोल हुकूमत है मना, कहां नर गर्भस्थ थोरी बात, केड़ी गल तो छोटी जी गल तो एडा हंकारी होया बैठा। मन दस नाच टका चार गंठी, एंडो टेंडो जात, कहिंदे चार मन तेरे को दाने वाधू ने, दुनिया नाल थोड़ी जो सुख सहूलत वाधू ने, इहदे पिछे तू अपने ही धर्म नूं कौम नूं सब कुछ नूं बदनाम करके तुर चले। तो गुरदेव सच्चे पातशाह आखदे ने, लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया, सब कुछ इत्थे रह जांदा। धन अवरा, धन मतलब दौलत, धन अवरा धन भस्म है ढेरी, धन दूजे लोग बच गया, शरीर मिट्टी दे ढेरी बन गया, की फर्क पिया। सतगुरु कृपा करदे ने, कह कबीर किस गुण विचार। कबीर साहब कहने, मैं तुहानूं सलाह दिंदा भी ये गल सुन के कुछ ना कुछ गुण की विचार कर, भी मैं अपनी जिंदगी का पक्ष बदलना है, मैं अपनी जिंदगी का पक्ष बदलना है। कल मैनू कोई याद करे तो गुरु गोबिंद सिंह का सरदार वांगू याद करे, कल कोई मैनू याद करे तो कौम का गदार वांगू याद ना करे। ये गुण विचार, ये अपने विच फैसला कर। कह कबीर किस गुण विचार, चले जुवारी दो हथ चार। कहिंदे गुण विचार कुछ की गुण विचार ने, चले जुवारी जुआ खेडण वाला, वो जिवें आखर नूं खाली हाथी आ जांदा है ना, चार दिनां दी जिंदगी उहनूं बड़ी प्यारी लगी, उहनूं लग्गिया मैं जितदा जा रहा, उन्होंने लगे शायद मैं बहुत जितते जा रहा हाँ, तो आखिर सब कुछ दाते लाई जाता लाई जाता लाई जाता, आखिर एक वक्त आता जो तो सब कुछ हार के खाली हाथ जुए खाने च वापस आ जाता। कहते इवें दुनिया तो चले जाना, कुछ गुण विचार लै, किहड़े गुण? पहला गुण यह विचार भी मैं नंगा आया है, खाली हथ आया, खाली हथ जाना है। दूजा गुण यह विचार भी इतने राजे राणे जिन्हां कोल बहुत धन दौलत ने,
उन्होंने भी दुनिया चो इवें ही जाना है। की होया जे तेरे को जिंदगी दियां चार सुख सहूलतां वाधू ने, इहदे लई लोकां नाल पाप ना कर। जिंदगी इहो जी गुजार के जाई, लोग तेरी उदाहरण देन, लोग अपने धीआं पुत्तां नूं तेरे किस्से सुनाउण। लोग जिवें मैं बहुत बारी गल दोहराउणा, सानूं पक्की पकड़ विच रखनी चाहीदी है। आपां नित दिहाड़े अरदास करने हैं ते चंगे लोकां दी कमाई दा ध्यान धरदे हैं, ते उहनां दी कमाई दा ध्यान धर के हज़ारां अरदासां विच आपां शामिल होंदे हैं, ते फिर ध्यान धर के फिर मैं की बन रिहा, की बन रिहा। गल्लां मैं उहनां दीआं कर रिहा जिहनां बंद बंद कटवाए, गल्लां उहनां दीआं कर रिहा जिहनां ने अपने आपे बारे, ते उहनां दे कौमी हक वेच के मैं अपनी हकूमतां बनाउणा। उहदे नाल चंगा मनां तों कुछ गुण विचार लै, तां कि खाली हथ जांदिआं दुनिया तों जांदिआं तेरे हथ खाली ना होण, तेरे कोल रब्बी बख्शिश होवे। लोक इह ना कहण आपी ने भोग भोग कर कोई पसमड़ भौर सदाया, वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया, अगे करनी कीरत बाची है बह लेखा कर समझाया, थौ ना वो भी पाउंदी हुण सुनिए क्या रवाया, मन अंधे जन्म गवाया। लोग ये ना कहन, लोग ये कहन गुरमुख जन्म सवार, दरगे चलिया सच्ची दरगे जाए सच्चा पिण मर लिया। जिंदगी दे तत्त नूं पछाणीए, इन्हीं बेनतियां कबूल करना भुला चुका दी खिमा, अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।